नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रांशु राठौर। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर दाव लगा रही है समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर। ऐसे में देखा जा रहा है यादव कुनवा, जो देश की राजनीति में हमेशा ही चर्चा का विषय बना रहता है। यादव कुनवे के लिए कई सीटें हैं जो गढ़ मानी जाती हैं, उन्हीं में से एक है मैनपुरी सीट, जहां से इन दिनों सांसद हैं डिंपल यादव। जी हाँ, यादव कुनवे की बड़ी बहू डिंपल यादव, जो नेताजी के चले जाने के बाद इस सीट को संभालती हुई नजर आ रही हैं, और एक बार फिर से सपा मुखिया अखिलेश यादव ने डिंपल यादव को ही यहां से प्रत्याशी बनाया है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं, क्या वाकई में डिंपल यादव को इस बार चुनौती देती हुई नजर आएंगी उन्हीं के परिवार की सदस्य, उन्हीं की देवरानी अपर्णा विष्ट यादव, या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि बीते दिन ही अपर्णा विष्ट यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर कहा कि बड़े नेता चाहेंगे, राष्ट्र नेतृत्व अगर चाहेगा तो वह चुनाव लड़ेंगी। ऐसे में कयास अटकलें तेज हो चुकी हैं कि यादव कुनवे की दोनों ही बहुएं क्या आमने सामने नजर आ सकती हैं, क्या मैनपुरी से अब अपर्णा यादव को टिकट मिल सकता है या फिर नहीं। दरअसल आपको बता दें कि अपर्णा यादव 2022 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की शुरुआत में ही बीजेपी में शामिल हो गई, समाजवादी पार्टी का हाथ छोड़कर। तब से कयास अटकलें तेज यही हुई कि बीजेपी की तरफ से उन्हें टिकट मिलेगा। ना ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में उन्हें टिकट मिला, ना ही मैनपुरी के उपचुनाव में वह उतरती हुई नजर आई। दरअसल ये कहा गया कि अपर्णा यादव परिवार के किसी सदस्य के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। लेकिन जैसे जैसे अब लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी की तरफ से उम्मीदवारों की लिस्ट सामने आ रही है, उसमें गौर यही किया जा रहा है कि अपर्णा यादव का को इसमें टिकट मिला है या फिर नहीं। मालूम हो कि 80 लोकसभा सीटें, और इन 80 लोकसभा सीटों में से देखा जा रहा है कि 40 लोगों के नाम सामने आ चुके हैं चुनाव प्रचार के लिए, और इसमें भी अपर्णा का नाम शामिल तक नहीं किया गया। अब ऐसे में सवाल यही उठते हैं कि अपर्णा यादव ने जिस तरह से एक बड़ा संकेत दे दिया है, क्या वाकई में अब मैनपुरी से उन्हें उतारा जाएगा या फिर नहीं। मैनपुरी सीट एक ऐसी सीट है यादव कुनवे के लिए कि यादव परिवार के कई सदस्य इस सीट से चुनाव लड़ते हुए नजर आए नेताजी के नेतृत्व में, और वह जीत हासिल करते हुए भी देखे गए हैं। ऐसे में अब देखना यही होगा कि डिंपल यादव को क्या वाकई में अपर्णा यादव चुनौती देती हुई नजर आएंगी, क्या वाकई में बीजेपी आलाकमान इस बार अपर्णा यादव को मैनपुरी से टिकट देंगे। अगर टिकट देते हैं तो क्या अपर्णा यादव मान जाएंगी, जो कहती हैं कि परिवार के किसी भी सदस्य के खिलाफ वह चुनाव नहीं लड़ेंगी। मालूम हो कि बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने यहां पर शाक्य कार्ड खेला है। यहां से बसपा ने डॉक्टर गुलशन शाक्य को प्रत्याशी बनाया है। वहीं दूसरी ही तरफ देखा जाए तो कांग्रेस और सपा यहां पर मिलकर किस तरीके से भी इस सीट को बचाना चाहती है। अब देखना यही होगा कि अपर्णा यादव जो मैनपुरी में सक्रिय नजर आ रही हैं बीते कुछ दिनों से, क्या अपर्णा यादव अपनी ही जेठानी को अब टक्कर देती हुई नजर आएंगी। बीते पिछले 28 साल से समाजवादी पार्टी का इस सीट पर कब्जा है। अब देखते हैं क्या वाकई में बीजेपी यहां पर यादव कुनवे की दोनों ही बहुओं को आमने सामना ही खड़ा कर देगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।